डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इंटरमीडिएट से रिलेटिव चैप्टर जो क्लास इलेवेंथ के लिए हैं, प्रोज आपके सामने लेकर आए हैं। फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जैसे कि और भी वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे 9th, 10th, 11th, 12th से हर रिलेटिव प्रोज पोएट्री आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस लेसन का नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मतलब शिक्षा के लिए माय स्ट्रगल, मेरा संघर्ष, या कह सकते हैं शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। जिसके राइटर है ब्रूकर टी वाशिंगटन, जिनका जन्म 1856 में हुआ था और मृत्यु आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 1915। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये लेसन यहाँ से चालू है। जैसा कि यहाँ देखिए, वन डे वाइल एट वर्क इन अ कोल माइन, एक बार या एक दिन जब कोयले की खान में काम करते हुए, आई हैपन टू ओवरकम टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल समवेयर इन वर्जीनिया। तब मैंने आई का अर्थ हुआ मैंने, यहाँ सेंस है, ये आई शब्द ब्रूकर टी वाशिंगटन एज ए राइटर के लिए यहाँ पर आया है। आई हैपन टू ओवरकम टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फेस। तो मैंने दो कार्य उस मतलब कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों के मुख से एक बड़े स्कूल के बारे में सुना, जो कलर्ड पीपल मतलब काले हब्जी लोगों के लिए था, जो वर्जीनिया के समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में कहीं क्या था, स्थित था। आगे देखते हैं, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम्स, यह मेरे लिए प्रथम बार था, मतलब पहला समय था, दैट आई हैड एवर हर्ड एनी थिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रिटेंटियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। यह मेरे लिए प्रथम समय था जब मैं अपने छोटे से शहर में, ये छोटे जो काले हब्जी के काले हब्जी लोगों से भी अत्यधिक जो बेहतर जो क्या था स्कूल था, उसके बारे में मैंने सुना था। मतलब मेरे टाउन, मतलब मेरे शहर में जो काले हब्जी लोगों के लिए जो विद्यालय बना था, यह विद्यालय उससे कई बढ़कर क्या बेहतर था। फिर देखते हैं, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वह विद्यालय की चर्चा करते गए, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तब मुझे ऐसा लगा कि यह अवश्य ही इस पृथ्वी का सबसे सुंदर या सबसे महान या बड़ा क्या होगा, जगह होगा। नॉट इवन हैव एन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम, और उस वक्त मुझे, ध्यान रखेंगे, स्वर्ग भी उतना आकर्षित नहीं लगता था जितना कि देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। वर्जीनिया के उस हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट था, उसके आगे स्वर्ग भी मेरे लिए फीका था, अर्थात उतना आकर्षक नहीं था। अबाउट विच दिस मेन वे आर टॉकिंग, जिस बारे में ये लोग क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, आई रिजॉल्व एट वंस टू गो दैट स्कूल, और मैंने शीघ्र ही उस विद्यालय में जाने का निश्चय कर लिया। दाव मतलब होता है यद्यपि, आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज, यद्यपि मुझे वहाँ जाने का कोई आइडिया नहीं था, मतलब मेरे पास उतना ज्ञान नहीं था वहाँ जाने का। एंड हाउ मेनी मिल्स अवे, और वह कितना दूर था इसका भी हमें ज्ञान नहीं था। एंड हाउ
आई वॉज गोइंग टू रीच हिट, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं था। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, और मेरे पास मात्र एक महत्वाकांक्षा ही। हमें क्या कर रहे थे, मेरे मन में जो एक महत्वाकांक्षा थी वह उत्तेजित कर रही थी, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वह यह थी कि मुझे कहाँ जाना है, हैम्पटन जाना है। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, यह जो विचार था वह मेरे साथ दिन और रात मेरे दिमाग में घूमती रही। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन इफोर्ट टू गो गेट देयर, कह सकते हैं 1872 पतझर का ऋतु था, पतझर में मैंने वहाँ पहुँचने के लिए प्रयत्न करना आरंभ कर दिया। इफोर्ट मतलब था प्रयत्न। माय मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर, और मेरी माँ जो थी वह गंभीर रूप से, उन्हें क्या, मेरी माँ को एक गंभीर रूप से डर क्या करने लगी, परेशान करने लगी, ट्रबल मतलब सताने लगी। डेट आई स्टार्टेड आउट ऑन ए वाइल्ड गुड चेस, कि मैं वाइल्ड गुड चेस का मतलब है अज्ञान जगह, असंभव काम, क्योंकि मैं असंभव काम करने चल पड़ा था। आगे देखते हैं। एट एनी रेट, किसी भी मूल्य पर या किसी भी तरह, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्स्टेंट फ्रॉम हर, मुझे बड़ी ही मुश्किल से उनसे आधे दिल से ही सहमति मुझे मिली थी दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं वहाँ से जा सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लॉथेज, मेरे पास बहुत बहुत कम पैसे थे कि मैं उनसे क्या करूँ, कपड़े खरीद सकूँ। एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, और मेरे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज मतलब होता है जो मेरे खर्च पे, जो मेरे जो यात्रा पे जो खर्च लगेगा मतलब उसको चुकाने के लिए, मेरे पास बहुत कम पैसे थे। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी, मेरे भाई जॉन ने मेरी क्या की, मेरी मदद की। ऑल डैट ही कुड, जितना उससे हो सका मेरे भाई जॉन ने मेरी क्या की, मदद की। बट लेकिन ऑफकोर्स वास्तव में डैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील, लेकिन वास्तव में यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, या वास्तव में वह उतना भी पर्याप्त नहीं थी। आगे, फाइनली द ग्रेट डे केम, अंततः वह सुनहरा दिन या महान दिन आ गया। आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैं हैम्पटन के लिए चल रवाना हुआ। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीफ सैचल, और मेरे पास एक बहुत ही सस्ते झोला था दैट कॉन्टेन फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, जिसमें कुछ कपड़े उपड़े रखे गए थे, आई कुड गेट, जो हमें क्या मिले थे घर से। आगे देखते हैं। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन, और उस वक्त मेरी माँ जो थी वह पूरे रूप से कमज़ोर हो चुकी थी, और शारीरिक स्थिति से भी वह क्या हो चुकी थी, टूट गई थी। आई हार्डली एक्सपर्ट टू सी हर अगेन, और मैं बड़े ही मुश्किल से मैं उन्हें दोबारा देख सकूं, मतलब मेरे मन में मुझे यह आशा थी, बहुत कम ही आशा थी कि मैं उन्हें शायद दोबारा देख भी पाऊं। एंड दस, और इस प्रकार आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, और इस तरह से हमारा उनसे बिछड़ना वह और भी क्या होगा, दुखद हो गया। सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव दाउ इट ऑल, और जैसे कि फिर भी वह जैसे भी उनसे बन सका, इस सब में वह अपनी बहादुरता दिखाई, मतलब उनकी माँ के लिए यह है, ब्रूकर टी वाशिंगटन के राइटर के। आगे देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 miles, मतलब कह सकते हैं माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 miles थी। बाई वॉकिंग बैगिंग राइड्स, कुछ टहलते हुए,
मतलब पैदल चलते हुए, और कुछ जो घोड़े पे सवार होकर जो लोग जा रहे थे उनसे कुछ भीख मांगकर, मतलब जैसे कि लिफ्ट मांगकर, एंड कार और कारों से कुछ लिफ्ट मांगकर इन सम डे और कुछ दिन में, इन सम वे और इस तरह से, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया। मैं वर्जीनिया के एक सिटी, एक शहर रिचमंड में क्या कुछ दिनों के बाद पहुंचा। अबाउट 82 मील्स अवे फ्रॉम हैम्पटन, और वहाँ से लगभग हैम्पटन कितने किलोमीटर थी? 82 किलोमीटर। When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा तो tired, थक गया था, hungry, भूखा था, and dirty, और मैं पूर्ण रूप से क्या हो गया था, गंदा हो गया था, अर्थात मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। It was late in night, और रात भी हो चुकी थी। So dear students, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें और शेयर करें। अब इसके बाद आगे का जो पैसेज है शीघ्र ही मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।